दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अलग अलग लिस्ट बना रहा है क्योंकि यार दोस्तों मिनी ऑक्शन काफी नजदीक आ रहा है। तो यार आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो मिनी ऑक्शन के लिए, या फिर दोस्तों अब आपकी एक्साइटमेंट या फिर कहीं भी एक्साइटमेंट नहीं है मिनी ऑक्शन के लिए, नीचे कमेंट करके ये व्यू मैं आपके जरूर जानना चाहूंगा। इसके अलावा दोस्तों आप चाहो तो ये भी बता सकते हो कि क्या हम हमारी वीडियोज के ऊपर एक यहाँ पर फनी क्वेश्चन के यहाँ पर पोल्स चालू करें जिसके आंसर हम यहाँ पर नीचे कमेंट पिन करेंगे। सो यार ये तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, बट एक अच्छा इनिशिएटिव टीम केकेआर को लेना पड़ेगा। अब एक बड़ा प्लेयर है जो टीम केकेआर ही नहीं बाकी पूरी की पूरी 10 टीमें यहां पर टारगेट करने वाली, कौन सा है ये प्लेयर क्योंकि काफी कमाल का ये खेल रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, वहीं दोस्तों केकेआर के बड़े वाले फैन हो तो आज दोस्तों वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके अभी हमारे चैनल को नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर देना। तो यार दोस्तों हम बात करने वाले एक बड़े प्लेयर की, और कौन है ये बड़ा प्लेयर, ये है इंग्लैंड का प्लेयर। तो काफी सारे लोग कह रहे थे कि टीम केकेआर को बेन स्टोक्स को टारगेट करना चाहिए, बेन स्टोक्स नहीं आ सकते हैं पैसे कम है, टीम केकेआर को सैम करन को यहां टारगेट करना चाहिए, लेफ्टी नहीं है, लेफ्टी नहीं आने वाला है क्योंकि पैसे कम है। अब हर चीज में पैसे कम है, बट दोस्तों यहां पर हैरी ब्रुक नाम का ये जो तूफान है ये पूरी तरह से टीम केकेआर में आने को तैयार हो सकता है, बस यहां पर दोस्तों पैसे कम वाली दिक्कत ना आए। बट हाँ दोस्तों हैरी ब्रुक इतने भी महंगे नहीं बिकने वाले हैं, बिकेंगे ये फॉर श्योर है क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान के खिलाफ पूरी यहाँ पर सीरीज के अंदर कभी इस ग्राउंड के ऊपर सेंचुरी मार रहे हैं तो कभी उस ग्राउंड के ऊपर सेंचुरी मार रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान को तो मजाक की तरह ले लिया है और यहाँ पर अलग अलग रिकॉर्ड यहाँ पर हैरी ब्रुक बनाए जा रहे हैं। खैर रिकॉर्ड्स की छोड़ दें तो पहली बार डेब्यू करेंगे और दोस्तों काफ़ी यंग है और यंगस्टर्स के पीछे आपको पता है सबसे पहले कौन सी टीम जाती है, दो ही टीमें हैं जो यंगस्टर्स के पीछे सबसे ज़्यादा जाती है, एक है केकेआर और एक है मुंबई इंडियंस, और इन्हीं को देखते देखते कॉपी कैट करने लग गई है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और यहाँ पर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स। बट हाँ दोस्तों टीम केकेआर में हैरी ब्रुक आ सकते हैं एक अच्छी बात है, बट दो इशू हैं। पहला तो ये अगर आ जाते हैं तो खेलेंगे कहाँ, और दूसरी बात आएंगे तो तब जब केकेआर के पास पैसे होंगे। बट हैरी ब्रुक अगर आ जाते हैं तो यार काफ़ी कमाल रहेगा, इनको मिडिल ऑर्डर में ट्राई किया जा सकता है, एक इंडियन विकेट कीपर हो जाए और इनको रहमानुल्लाह गुरबाज़ की जगह ट्राई कर सकते हैं। बट दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि क्या आपको लगता हैरी ब्रुक केकेआर में आएंगे नहीं आएंगे, तो कौन सी टीम में जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।